गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। राइट द प्राइम नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने अब प्राइम नंबर इस टेबल में से ढूंढने हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर है क्या। बेटा, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। हमने देखना है फर्स्ट लाइन में कौन सा ऐसा वर्ड है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है। हमें पता है कि 5 जो है वो सिर्फ अपने टेबल में आता है और किसी भी टेबल में नहीं आता। यहाँ पे सर्कल करो और ये है हमारा 7, ठीक है। जहाँ पे भी सर्कल करो, ठीक है। यहाँ पे मेरा 3 आना था, मैंने 6 बाय मिस्टेक लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा 3 भी अपने टेबल में ही आता है, ठीक है बेटा। आगे हमने करना है 2, बी का हमने करना 2, क्योंकि 2 अपने टेबल में आता है, ठीक है। आगे 9, ठीक है। 11 भी अपने टेबल में आता है, 13 भी अपने टेबल में आता है, और आगे 10, ये सारे अपने ये ठीक है, क्योंकि 5 पास आता है अपने टेबल में, ठीक है बेटा। और इसके बाद हमारा आता है 8, ये वाला 41 आता है, और 23 आता है, और ये 17 भी अपने टेबल में आता है, और 19 भी अपने टेबल में आता है, ठीक है। इसके बाद हमारा है जो ये है 27, हाँ ये नहीं, ये 41 भी नहीं आता, किसी टेबल ऊपर भी 41 है, ठीक है। ये 37 भी नहीं आता किसी टेबल में, और 47 भी नहीं आता, और यहाँ पे 39 है, और 39 भी नहीं किसी टेबल में आता, ठीक है बेटा। इस तरह प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, ठीक है। तो आगे हमने करना है इसका 2। राइट द कॉम्पो, एक मिनट, हमने ये क्या करना है, हाँ जी, अब ये 2 करना है। हमने करना है राइट द कॉम्पोजिट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल में तो आते ही है, साथ में दूसरे टेबल में भी आते हैं। जैसे 14 है ना, ये इसका अपना टेबल भी होता है और 2 के टेबल में भी आ जाता है, ठीक है। और ये 9 है, 9 का अपना टेबल, 9-3 के भी आता है, और ये 6 भी आता है, ठीक है। और ये 21 भी आता है, और 12 भी आता है, और 18 भी आता है, और इसके बाद हमारा आता है 32, अपना टेबल भी है और 6 और दूसरे टेबल में भी आता है। उसके बाद हमारा आ जाएगा 15, इसको सर्कल लगा दो, ठीक है। और उसके बाद हमारा आएगा 10 भी आता है, और 25 भी आता है, ठीक है। और ये 9 भी आता है, ये 24 भी आता है, ठीक है। और ये 49 भी आता है, और ये 50 भी आता है। इस तरह हमने बेटा प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर कर लिए, ठीक है बेटा। प्राइम नंबर का एक बार मैं फिर समझा देती हूँ कि वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, किसी और टेबल में नहीं आते। और कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं वो अपने टेबल में भी आते हैं और किसी दूसरे टेबल में भी आते हैं। जैसे 14 है, 14 का अपना टेबल भी है, और 14 2 के टेबल में भी आता है, ठीक है बेटा। आगे हम करेंगे इसका 3 पार्ट। फाइंड द एच सी एफ ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। हमने इसके प्राइम नंबर बनाने हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 18 लेना है, ठीक है। 18 लेंगे, इसको करेंगे हम 2 के साथ, ठीक है। अब एक मिनट, पहले सेट कर लेते हैं ये सारा, इसको करेंगे हम 2 के साथ। तो 2 9 का 18 हो गया, यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है। अब 2 के टेबल में 9 नहीं है, तो 3 ले लेते हैं, 3 3 3 का 9, ठीक है। अब फिर वहाँ पे 3 3 का 1, ठीक है, 3 1 का 3 ले लेते हैं, ठीक है। आगे हमने करना है 27 को। 27 को हमें पता है कि 2 के टेबल में 27 नहीं है, इसलिए 3 का टेबल ले लेते हैं, 3 9 का 27, और फिर 3 3 का 9, और फिर 3 1 का 3, ठीक है बेटा। इस तरह जो हमारा एच
सी एफ है वो है 18 का क्या हो गया, 18 का बनेगा ये 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। और 27 का क्या होएगा, 27 का होएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब बेटा हमने देखना है कि इन दोनों में से कॉमन वर्ड्स जो यहाँ पे भी हो और यहाँ पे भी वो कौन से हैं। ये 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसलिए हमने क्या करना है, 1 3 ले लेना है, ठीक है, दोनों का 1। फिर मल्टीप्लाई किया, फिर हमने लिखना है ये 3 ऊपर भी है और 3 नीचे भी है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 और 3 3 का क्या हो गया 9, इसलिए हमारा जो आंसर है वो 9 आ गया, ठीक है बेटा। इसी तरह से हमने करना है 21 को, 21 को करेंगे पहले हम 21, 2 के टेबल में तो आता नहीं है, 3 ले लेते हैं, ठीक है। 3 7 का 21, ठीक है, और 7 7 का 7 1 का 7, यहाँ तक हो गया। अब करते हैं 63 करते हैं, ये भी 3 के टेबल में आएगा, ठीक है। 3 2 का 6 और 3 1 का 3, ठीक है। फिर आगे 3 3 7, अब फिर 7 को ये कर लो, यहाँ पे भी 7 लिख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे भी 7 लिखे, 7 3 का 21 और यहाँ पे फिर 3 आ जाएगा, 3 1 का 3, ठीक है। अब हम के एच सी एफ लिख लेते हैं, 21 के कौन से हो गए, 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। और 63 के क्या होंगे, 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3। अब हमने कॉमन फैक्टर निकाल लेने, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 1 3 लगा देंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे 7 लगा देंगे, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, 21, ठीक है बेटा जी। इसी तरह हमने आगे करने हैं इसके सम, ये हमारा है सी, पहले हम 80 को करेंगे, ठीक है, 80 को करेंगे 2 के साथ तो हमारा आ जाएगा 40, ठीक है, 40 को करेंगे 2 के साथ तो हमारा आ जाएगा 20, ठीक है, और 20 को करेंगे हम 2 के साथ तो हमारा आ जाएगा 10, ठीक है, 10 को करेंगे 2 के साथ डिवाइड तो हमारा आ जाएगा 5, और 5 को करेंगे 5 7 तो हमारा आ जाएगा 1, ठीक है बेटा। ये अगर किसी बच्चे को ऐसे नहीं आता है सेफ करना, तो आप इसको जैसे डिवाइड नहीं करते बड़े डिजिट को, जैसे ये किया ये वाला, ऐसे वाला कर सकते हो, जैसे 2 को करेंगे 4 के साथ हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद हमने 0 को नीचे ले लेना है, ठीक है, तो 0 लगाइए, यहाँ पे भी हमने 0 लगानी है, 4 नीचे आ गया, ठीक है, फिर वहाँ पे माइनस करेंगे 4 तो 2 आ जाएगा हमारा, ये वाला 0 यहाँ पे आ गया, सॉरी यहाँ पे, यहाँ तक ख़त्म हो गया, ठीक है, 40 आ गया, ठीक है। आगे हमने करना है, ये 40 आया ना हमारा, फिर हमने 2 के साथ 2 2 का 4, ठीक है, ये 0 यहाँ पे 20 आ गया, ऐसे भी कर सकते हो आप, और ये अगर नहीं समझ आता तो ऐसे कर लो, अगर समझ आ रहा तो मच बेटर, ठीक है। ये 100 को करेंगे हम 2 के साथ, 2 को किया 100 के साथ तो ये 2 2 5 का 10, ठीक है, 0 वैसे ही नीचे ले आनी है, फिर हमने करना है इसको 2 के साथ, ठीक है, 2 2 का 4, 2 2 का 4 यहाँ पे 1 या इधर आ जाएगा, ठीक है, ये 10 हो गया, तो 2 5 का 10, फिर हम करेंगे 5 के साथ, 5 5 का 25, फिर हमने 5 करना है, 5 1 का 5, ठीक है बेटा जी। अब हमने इसके एच सी एफ को निकाल लेने हैं, एच सी एफ हमारे पास जो 80 का है, 80 का है वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, कितने बार 2 लिखना, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब हमारा है 100 का क्या है, 100 का हमने निकालना है, तो ये हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर निकाल लो, ठीक है, यहाँ पे 1 2 आ गया, ये भी है, ये भी है, मल्टीप्लाई 2 आ गया, जहाँ पे भी 5 है यहाँ पे भी 5 है, तो मल्टीप्लाई क्या आ गया, 5 आ गया। इस तरह से हमने ये निकाल लिया, अब 2 2 का 4
और 4, 5 का 20, 20 हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा जी, इसके बाद हम करेंगे डी सम। उसी तरह से कर लेना, पहले 40 डिजिट्स के साथ हमने इसके बना लेना, डिवाइड कर लेना 2 के साथ, 2 का 4, 2 1 का 2। ठीक है, अब ये आएगा 3 में, क्योंकि 2 के बीच थे 21 तो है नहीं है। अब 7 का 21, फिर अब 7 का 7 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे हम 98 को, ए 98 को करेंगे हम डिवाइड, पहले करेंगे 2 के साथ। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 24 का 8, 9 में से 1 निकाल के यहाँ पे दे दो और ये 18 हो जाएगा ना। तो अब हमने करना है 29 का 18, इसके बाद हम करेंगे 77 का, पूरी डिजिट आ रही 7 के टेबल में। ठीक है, 77 का 49 और इसके बाद फिर 7 आ जाएगा और 71 का 7। अब हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। HCF हमारा क्या आया, 24 का क्या है, हमने बोलना 2 × 3 × 7। और जो हमारा है 98 का क्या आया, 2 × 7 × 7। ठीक है बेटा जी, ये आ गया। अब हमने कॉमन फैक्टर निकाल लेने हैं, इसके कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 लिखा हुआ है, 2 निकाल दिया। आगे 3 है, ये 7 है, ये नहीं लेना। अब ये 7 है और ये भी 7 है, तो हमने 7 लिख लिया। अब 2 7 का 14 हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा जी, आगे फिर हमने करना है 4। ये भी हमने HCF करना है, लेकिन यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 2 डिजिट दी हुई है, और यहाँ पे हमने 3 का करना है, बड़े ध्यान से करना है, 3 का है। सबसे पहले हम 30 को करेंगे छोटे टेबल के साथ, 2 के साथ हमने किया 2 1 का 2 और 3 में से 1 निकाल के यहाँ रख दिया और ये 10 बन गया। यहाँ पे आएगा हमारा 5। अब हमने करना है, इसको 3 के साथ कर लेते हैं, 3 5 का 15। ठीक है, फिर 5 1 का 5, ये हो गया। अब हमने 50 का करना है। ठीक है, 50 को भी हम 2 के साथ कर लेते हैं, 2 2 का 4। ठीक है, जब 5 है ना, 5 में से निकालो 1, यहाँ आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर नीचे 5, 2 5 का 10, क्योंकि ये 10 बन गया। अब हमने 5 को करना है, हाँ 5 5 का 25, 5 1 का 5।